नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी एक्यू में। दोस्तों 2017 का नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुका है और अगर आपका एग्जाम 2017 से 18 के बीच में पड़ता है तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो गए इस टॉपिक से 100% पूछे जाने। तो शुरुआत करते हैं। देखिए नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, जिसमें कि 2017 में इसमें पीस पे अनाउंस हो चुका है, फिजिक्स पे भी अनाउंस हो चुका है, केमिस्ट्री पर भी हो चुका है, मेडिसिन पर भी हो चुका है, लिटरेचर पर भी हो चुका है, लेकिन अभी इकोनॉमिक्स पर नोबेल प्राइज किसे मिला है ये अभी तक नहीं अनाउंस हुआ है। तो हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसे मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पीस वाला नोबेल प्राइज किसे मिला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज है ये कहाँ पर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्लो में दिया जाता है। और जो बाकी बचे हुए 5 नोबेल प्राइजेस हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, जो नोबेल पीस प्राइस है वो ओस्लो में दिया जाएगा और जो बाकी के बचे हुए 5 प्राइसेस हैं वो स्टॉक होम में दिए जाते हैं। तो इस बार का नोबेल पीस प्राइस किसे दिया गया है, तो इस बार का नोबेल पीस प्राइस दिया गया है आई सी ए एन को। इसको आई कैन नहीं पढ़ेंगे, ये सी ए एन कैन नहीं है, ये आई सी ए एन है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। इस संस्था को इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। आगे जानते, देखिए इसको याद कैसे रखोगे। देखो ICAN जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, इसका लोगो देख लीजिए। इसका लोगो ये है, इसमें एक टूटी हुई मिसाइल का साइन दिखा रखा है, यानी कि एक मिसाइल है उसको तोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये है ये कुछ रिलेटेड है कि परमाणु हथियार जो होते हैं उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। जितनी भी मिसाइल्स और ये जो एक दूसरे के ऊपर जो परमाणु हथियार का हमला होता है उसको बैन करने के ऊपर बनाए गए हैं, ऐसा कि इसके लोगों से आप समझ सकते हैं। और इसको देखो याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे कि अगर इसको हम ICAN ना पढ़ें, ICAN पढ़ें, तो एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। पीस प्राइज किसे मिला होगा, पीस प्राइस उसे मिला होगा जो कुछ अच्छा काम कर रहा होगा, कोई पीसफुल काम कर रहा होगा, कोई पॉजिटिव काम कर रखा होगा। ICAN का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, यानी कि इससे आपके माइंड पे एक इमेज बनेगी कि एक पॉजिटिव वर्क है, तो आपको ये याद रह जाएगा। 4 ऑप्शन देख के सही टिक कर सकते हैं। अब देखो ये जानते हैं कि ICAN जो इंस्टीट्यूट है वो करता क्या है। ये परमाणु हथियारों पर बैन के लिए काम करती है और पिछले 10 सालों से एक्टिवली जितने भी देशों में परमाणु हथियार बन रहे हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पर बैन लगाने के लिए ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इसकी एक क्वेश्चन पूछ सकता है ICAN की शुरुआत कहां पर हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के किन किन लोगों को अभी तक पीस प्राइज मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज भारत में केवल और केवल 2 लोगों को मिला है अभी तक। पहले नंबर पर है मदर टेरेसा और दूसरे नंबर पर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला है और मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके के और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।